बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे अपने पुलिस कर्मियों का हौसला अफजाई कर रहे हैं, उनसे बात बिहार के विभिन्न जिलों के अपने जो अधिकारी हैं, जो सिपाही हैं, उनसे बात करके उनका परिवार का हालचाल, उन्होंने लॉकडाउन में किस तरह का काम कर रहे हैं उनसे पूछा है। आज उसी क्रम में बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने पूर्णिया के जो ट्रैफिक प्रभारी हैं राजेश कुमार, उनसे बात किया है, उनसे लॉकडाउन में क्या व्यवस्थाएं हो रही हैं, क्या यहाँ पे लॉकडाउन कैसे चल रहा है। इसके अलावा उन्होंने उनके परिवार के बारे में भी पूछा है और कह सकते हैं कि ये बिहार के डीजीपी का एक बहुत बड़ा आप कह सकते चेहरा है, जो कि अपने पुलिस कर्मियों का वो हौसला बढ़ा रहे हैं इस लॉकडाउन में। आप इस लॉकडाउन के दरमियान उन्होंने बिहार के विभिन्न जिलों के अपने पुलिस कर्मियों से बात किया है। आप इस रिकॉर्डिंग में सुन सकते हैं कि बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने यातायात ट्रैफिक जो प्रभारी हैं राजेश कुमार, उनसे क्या क्या बात की। हेलो, मैं डीजीपी बिहार गुप्तेश्वर पांडे बोल रहा हूँ। जैन सर, आप पूर्णिया में ट्रैफिक में है, राजेश नाम है, थानेदार हैं? सर सर। अच्छा राजेश जी, आप तो बहुत और बिना प्रचार के आप दिन भर अपनी ड्यूटी मुस्तैदी से करते हैं सर, तो उसके बाद जा करके गरीबों की सेवा में लग जाते हैं, राशन बांटते हैं, खाना बांटते हैं सर, और इतना अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने एसपी से भी पूछा था, मेरे से कई लोगों ने कहा आपके काम के बारे में सर, तो आजकल हमारे यहाँ बहुत पैरवी आती है, इनसे बात कर लीजिए, उनसे बात कर लीजिए। मैं सबसे बात नहीं करता, मैं सबसे बात कर भी नहीं सकता, चाहूंगी तो मैंने पता किया एसपी साहब से। एसपी साहब ने कहा बहुत सिंसियर ऑफिसर है, बहुत मेहनत करता है सर, फ्रंट पर रह करके काम करता है, तो हमारे दिल को बड़ी तसल्ली हुई कि आप जैसे लोग विभाग में है तो विभाग के लिए बड़े गौरव की बात है कि आप इतना सेवा का काम भी कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी भी इतनी मुस्तैदी से कर रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं अशोक? हमने राजेश, हमने सोचा आपको बधाई दूं, आपको धन्यवाद दूं। कहाँ के रहने वाले हैं? भोजपुर जिला सर, आरा। हाँ, तो आरा जिला के रहने वाले सर, हैं ये 80 साल की हड्डी में भी जागा जोश पुराना था। सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था, कुंवर सिंह की धरती से, भोजपुर की माटी से, शाहबाद की माटी से आप पैदा हुए और जाकर के पूर्णिया में आप पूरे शाहबाद का नाम रोशन कर रहे हैं, बिहार पुलिस का नाम रोशन कर रहे हैं। बहुत ही फख्र की बात है, बहुत ही गर्व की बात है। परिवार कहाँ रखे हैं राजेश? पटना में सर। सर पटना में सर। अच्छा, बाल बच्चे कितने बच्चे हैं? एक बेटी है सर, एक बेटा है सर। अच्छा, किस क्लास में पढ़ रहे हैं? बेटी 3 में पढ़ रही है सर। अच्छा बच्चा? छोटा भी अभी स्कूल नहीं जाता है सर, छोटा है। अच्छा ठीक है, तो कोई पत्नी और बच्चों को कोई तकलीफ अगर होगी तो हमको बताइएगा, हम सीनियर को बोलेंगे सर, यहाँ आपके परिवार की देखभाल की जाएगी। सर, कोई तरह का दिक्कत तो नहीं है? कोई नहीं, नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पत्नी से बच्चों से बात करते रहते हैं? रोज रोज बात होती है सर। हाँ, बात करना बहुत जरूरी है क्योंकि बच्चे तो छोटे हैं, पत्नी को घबराहट होती होगी। बात करते रहिए, संवाद बनाए रखिए, सेवा करिए। ये संकट का समय है, गरीबों को सेवा करके उनका दिल जीतना है। जो गरीब हैं, कमजोर हैं, लाचार हैं, बीमार हैं, वृद्ध हैं, जिनको सेवा की जरूरत है, दवा की जरूरत है, हॉस्पिटल जाने की जरूरत है, खाने की जरूरत है, किसी भी तरह की जरूरत हो तो उनकी मदद होनी चाहिए। आम जनता के साथ सील के साथ, संयम के साथ और विनम्रता के साथ व्यवहार होना चाहिए। लुच्चे लफंगों के साथ तो सख्ती होनी चाहिए। सर, सर, क्या बोलिए राजेश? पूरी 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 मैं कोशिश करता हूँ सर। जो यंग लड़का है, बिना कोई पर्पस से, जो बिना उचित कागजात से या पास लिए हो जो घूमता है सर, उसको होल्ड कर उसका बकायदा उन पर कार्रवाई करिए सर। और ये बताइए कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है सेवा करके? बहुत बहुत अच्छा लगता है सर। जैसे मॉर्निंग शिफ्ट में जो अपने जो ड्यूटी पर तैनात कर्मी रहते हैं सर, उसको देखने के लिए, चेक करने के लिए पर्पस से मैं हाईवे तक जाता हूँ, तो उस दौरान कोई भी अगर गरीब या जो भी मिलता है सर, जिसको आवश्यकता है मेडिकल की या खाने की, तो उसको मैं प्रोवाइड करवा देता हूँ सर। ये बहुत बड़ी बात है, आप इतना, लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, लोग आपकी बहुत ही प्रशंसा कर रहे हैं कि आप ट्रैफिक में हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, डायरेक्ट ऑफिसर हैं, नौजवान हैं, बीबी बच्चे आपके अलग हैं, आप दिन भर ड्यूटी भी करते हैं, शाम को गरीबों की सेवा भी करते हैं। ये बहुत ही फख्र की बात है, आप जैसे लोगों की जरूरत है, विभाग तो आप जैसे लोगों पर बहुत ही गर्व है।
अब हम अचानक बात किया, आपने क्या सोचा, कभी सोचा होगा? नहीं सर, नहीं सर, वो एक तो अननोन सर प्राइवेट नंबर लगा तो थोड़ा अलग लगा। आपको कैसा लगा हमारी बात, हमसे बात करके? बहुत 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 अच्छा लगा सर, थोड़ा सा मॉडली बूस्ट अप लगा सर। सर तो ठीक है, खुश रहिए, मस्त रहिए, सकारात्मक रहिए और लोगों को सचेत करिए, कोरोना कितनी खतरनाक बीमारी है, अपने लोगों को बचाना है, अपने सर, भी बचना है, सेवा का काम करना है, जनता का दिल जीतना है। सर आपको मैंने सलाम करने के लिए, सलूट करने के लिए फोन किया। धन्यवाद, खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद, जय हिंद, जय हिंद सर। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने आज पूर्णिया के ट्रैफिक प्रभारी राजेश कुमार को फोन किया है, उनसे उनका हालचाल जाना है और इस लॉकडाउन में कैसी व्यवस्था उनके द्वारा की जा रही है, लोगों को कैसे मदद पहुंचाई जा रही है, उनसे पूछा है। हमारे साथ में है ट्रैफिक प्रभारी राजेश कुमार। हम जानते हैं कि डीजीपी सर से उन्होंने बात किया तो कैसा महसूस किया? बहुत अच्छा लगा सर, डीजीपी सर द्वारा फोन किया गया, बहुत अच्छा लगा। उनके फोन करने पर मेरा हाल समाचार पूछा गया, उनके द्वारा पूछा गया कि हमारी कंपनी कहाँ रहती है, मैं कैसे वर्क करता हूँ, कैसे जो अनवांटेड रूप से चल रहे हैं बाइक चालक या फोर व्हीलर चालक कैसे वर्क करते हैं, उन्हीं संदर्भ में। सर और क्या क्या बात हुई और क्या क्या निर्देश दिए डीजीपी जो बिहार हैं गुप्तेश्वर पांडे उनके द्वारा आपको मिला? उनके द्वारा बोला गया कि जो यंग जनरेशन बिना कोई कागज डॉक्यूमेंट्स के या पास के जो चल रहे हैं उस पर कड़ी कार्रवाई करें, कठोर कार्रवाई करें। सर आप करें अगर बात किया यातायात ट्रैफिक पुलिस की, तो यहाँ पे आपके द्वारा अभी ये सुनने को भी मिलता है कि आपके द्वारा जो वृद्ध लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको राशन भी मुहैया कराया जा रहा है, इस पर आप क्या कहते हैं? मैं इस पर कोई मीडिया फोटेज के लिए नहीं ये करता हूँ, मैं अपने डेली रूटीन में जब निकलता हूँ गश्ती के द्वारा तो रास्ते में जिसको मेडिकल प्रोवाइड मेडिकल चाहिए प्रॉब्लम है या कोई राशन उसके पास नहीं है खाने के लिए, कोई गरीब आदमी उसके पास खाने के लिए, मैं उसको प्रोवाइड करता हूँ। सर परिवार के बारे में भी सर ने आपसे पूछा, आपको कैसा लगा कि जब एक बड़े अधिकारी पुलिस लेवल के जो आपके सबसे बड़े अधिकारी हैं उनके द्वारा आपके इस लॉकडाउन में आपके परिवार के बारे में पूछा जाना, आपको इसमें आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मेरे फैमिली के बारे में पूछते हैं कि फैमिली कहाँ पर सेटल है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, बच्चे कितने हैं, बहुत अच्छा लगा। इससे पहले कभी बात हुई थी सर डीजीपी से? नहीं, अभी बात ट्वेल्थ सर के कैरियर में अभी तक बात कर रही है। ये थे राजेश कुमार जो ट्रैफिक प्रभारी है पूर्णिया के, उन्होंने कहा कि 12 साल के सर्विस के दरमियान में हमारी कभी भी बात बिहार के डीजीपी से नहीं हुई है और ये आज पहला मौका है जब बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे खुद अपने पुलिस कर्मियों को फोन करके उनका हौसला अफजाई कर रहे हैं, उनके परिवार के बारे में पूछे हैं, अगर कोई दिक्कत हो उनके बारे में पूछे हैं। ये आप कह सकते हैं कि बिहार पुलिस का बदलता स्वरूप है।